हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तिल गुड़ चिक्की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत लगेगी। इसके लिए हमें लगेगा तिल, ये मैंने ब्राउन कलर के तिल लिए हैं, आप व्हाइट कलर के भी तिल यूज कर सकते हैं। ग्रेट किया हुआ गुड़, गुड़ को मेल्ट ही करना है तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। हमने तिल की जितनी क्वांटिटी ली है उससे आधा क्वांटिटी हमें गुड़ का लेना है, क्योंकि गुड़ बहुत ही मीठा होता है। चार वेलची, ऊपर का कवर मैंने निकाल लिया है और थोड़ा कूट लिया है। ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम, ये ऑप्शनल है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करके लेंगे। मैंने गैस के ऊपर तवा रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है। तिल को एक मिनट के लिए हमें रोस्ट करना है, क्योंकि तिल जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तिल रोस्ट हो गए हैं। गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है और गैस ऑन कर दिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया है और इससे हम गुड़ डालेंगे। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और ऐसे ही इसे चलाते रहना है, क्योंकि नहीं तो नीचे से गुड़ चिपक जाएगा। गुड़ मेल्ट हो गया है अच्छी तरीके से। इसमें डालेंगे तिल, नीचे इसे मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, और वेलची, सारा अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस सरफेस के ऊपर हमें चिक्की बनानी है उस सरफेस को मैंने ऑयल लगाया है अच्छी तरह से। इस तरीके से हमें चिक्की बनानी है और निशान करके लेंगे हम इसे, ताकि सूखने के बाद जल्दी से निकल जाइए। अभी ये ठंडा हुआ है, हम इसे निकाल लेते हैं और इसे तोड़ लेते हैं, जिस पर हमने निशान भी बनाए थे। फ्रेंड्स, तिलगुल की चिक्की रेडी हो गई है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।